सार दादा को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ, मंचासीन कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ, कवियत्री को इलू इलू करता हूँ, संचालक की ऐसी तैसी पहले नंबर पे लगा दिया गुरु। अरे घबराइए मत, नंबर पहला हो या आखिरी, बगले में मणिकर्णिका है, कोई बात नहीं। हाँ ये बात तो सही, हम जिसके बगल में बैठे थे बुलडोजर एक लड़का है यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे लग रहे थे जैसे नंदीश्वर बाबा के बगल में जो है कोई पिल्ला चल रहा हो। धर्मराज जी बिभाजी के बगल में ऐसे लग रहे जैसे कि कश्मीर के बगल में काठमांडू। भाई दमदार ने पहले नंबर पे हमको लगा दिया है, नरकंकाल बार बार बनारस में इसलिए आता है, काशी में इसलिए आता है, भोले बाबा से प्रार्थना करता है कि अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो कोर्ट मैरिज कर लूं। क्या बात है भाई, वाह, ताकि कंकालों की वृद्धि होती रहे। संचालक आज बहुत साठ में हमको लगा दिया इसने, ऐसे तो बहुत ये लंबा लंबा कहता था। एक बार एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। और दमदार ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। ये स्थितियां हो गई। अभी आप लोगों ने गड़बड़ विवाह देखा है, अब इस गड़बड़ विवाह में इतनी उम्र में अगर विवाह होगा तो क्या होगा, एक शेर चढ़ा रहा हूं। स्वागत कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। अच्छा, शादियां तो होती है मगर हनीमून नहीं होता। अरे बाबा 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 बाबा, हाँ कहले जोड़े का तो हनीमून हो ही नहीं सकता, अब कंकाल चाहेगा तो भले हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे दो कंकाल हैं, एक हम नर कंकाल, एक इलाहाबाद से किन्नर कंकाल आया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा के दोनों कंकालों का सम्मान कर रहे। और गुरु अब हम हो जाते हैं शुरू। मेरी प्रेमिका, अब हमारी चेसी देखो तो लगेगा कि इसके भी प्रेमिका होगी, हमारे कॉन्फिडेंस को देखो। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। आप बताओ गुरु हम क्या करें, हमारा तो प्यार जो है वो बिल्कुल वो हो गया है, अब पहले नंबर पे है। गुरु हम चाहते हैं कि हम श्री गणेश, हम ही से हो रहा है तो हम गणेश भगवान की डिजिटल वंदना पढ़ना चाहते हैं। एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम गणेश भगवान की वंदना पढ़ना चाहते। स्वागत है, स्वागत है गुरु। एक दिन हमने पत्नी से कहा कि अगर मैं गणेश होता तो लड्डू खाने को मिलते। पत्नी ने डेढ़ घंटे हमको घूरा, बोली अगर तुम गणेश हो जाते तो हर साल तुमको विसर्जित कर देती। गणेश जी से हम मांग रहे हैं कि हे गणपति बरदो, टाटा बिरला औ अंबानी, हमरे आगे मांगे पानी, दुनिया भर की ब्लैक मनी सब मेरे नाम कर दो, हे गणपति बरदो। वाह, दूसरा वरदान मांगता हूँ, सुंदरता हमारी बरकरार रहे, कि चाहे आलिया हो कटरीना, दमदार भाई चाहे आलिया हो कटरीना, हम पर रीज है सभी हसीना, रिद्धि सिद्ध के दाता हमको ब्यूटीफुल कर दो। हमको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर महिलाएं जाती हैं, और जो महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है अगर उसको देखो तो लगेगा हिडिंबा मरी नहीं है, सुपर रखा जिंदा है। अब मैं गणेश भगवान से देश के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। स्वागत। और गणेश भगवान से कहता हूँ हे प्रभो, जैसे आपकी नाक ऊंची और लंबी है वैसे हमारे देश भारतवर्ष की भी सदैव नाक ऊंची और लंबी रहे। वाह।
कि बहुत बढ़िया, जग में ऊंची नाक हमारी, चीन पाख पर धाक हमारी, पटक पटक कर इनको मारू, इतना पावर दो हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो। चाइना से हमने कहा कि चाइना हम तुम हमारी क्या कंपटीशन करते हो, कोरोना भले भेजो लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम लोग चाय को हाँ कहते तुम चाय को ना कहते हो, इसलिए चाइना। और चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ एक चाइना वाल। हमने कहा हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। केजरीवाल हम मिलने गए, जिस जेल में बंद थे खांस रहे थे, हमने कहा गुरु अभी तक तुम दिल्ली के खुदा थे, बोले हम खुदा नहीं है, हमने कहा क्यों, बोले खुदा न खांसता। ये स्थिति हो गई। अच्छा अब ये सार दादा हमको देखे बोले यार तुम जिंदा हो, कोरोना से बच गए। हम कहा दादा कोरोना ससुर हमसे खुदे बचता रहा, ये तो हमसे खतरनाक वायरस है। हाँ कोरोना से बचने क्या बात है। हाँ एक शेर हम अखिलेश दद्दू को भेंट कर रहे कोरोना के उससे कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, और हम इनकी बीबी को गले लगा ले भले हमको कोरोना हो जाए। चलिए दो तीन कविताएं पढ़ता हूँ, पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और झोंकूंगा। हाँ नरकंकाल की कोई गारंटी नहीं है। स्वागत है गुरु। हमारी प्रेमिका ने कहा कि तुम्हारी हड्डियों से सुरमा बना के आंखों में लगाऊंगी। मैं एक पढ़ता हूँ कि एक पत्नी पीड़ित भगवान भोलेनाथ के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, बोला हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण, मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती, भगवान तरस खाओ हमको हमारी बीवी से छुटकारा दिलाओ। हाँ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा के SDM बनाओ। अरे बाबा 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 जिंदाबाद, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई। दादा SDM शब्द में तालियां बजा रहे गुरु। अच्छा हमको देखो इनको देखो। हम बोतल का दूध पी के बड़े हुए हैं और ये भैंस को उठा के चूस लेते थे। तालियां गुरु कमजोर नहीं होनी चाहिए। कमजोर। अच्छा एक जगह भी हम रावतपुरा में थे तो हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर है, तो एक श्रोता खड़ा हुआ बोला तू ही कौन खली का बाप है। जैसा तू वैसी तालियां। हाँ तो ये स्थितियां हैं। अब मैं भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा के SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद भाग जाएगी। अब इससे बढ़िया सलूशन क्या। अरे अरे अरे, अरे, अरे माला का देख के पहनाइए, वो माला का भार संभाल नहीं पहन। हाँ गुरु 20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए, अब क्या सीधे वीर गति को प्राप्त कराओगे। क्या बात है गुरु। वाह। हाँ गुरु मालाओं से बड़ा डर लगता है। हाँ अगर कोई बैजंती माला माला पहना दे तो बात है। हाँ तो यही स्थितियां हैं। अब चलिए एक कविता और पढ़ रहा हूं। हमारे देश में क्या है ना कुछ नया चला करता है। हमारे देश में बहुत पहले से गुरु कहा जाता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन भाई भाई में हमेशा लड़ाई हुई। हम कहा यह नारा बदल दो, नारे में संशोधन करो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम मियां बीवी। दिन भर लड़ो रात को फिर एक हो जाओ। या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है पूरी मीडिया में इसी की खबर छाई है, हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार मानो रजिया सुल्तान की रिश्तेदार। अब पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई, और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। मुर्गी के साथ साथ चार चार चूजे भी आ गए, मुर्गी के साथ साथ
चार चार चूजे भी आ गए, सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। और जब जब इस देश को विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है गुरु। इस देश पे बड़ा व्यंग है भाई, वाह वाह वाह। इस देश को विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है, इसलिए बेटा सचिन ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। वाह। इसलिए बेटा सचिन जिसे खा रहो समझ कर बिरयानी, देख लेना कहीं निकल ना वही सुपर रखा की नानी। और ना जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। और सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के रंडुए भी पबजी खेल रहे हैं। अभी कविता गुरु और पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं और झोंकूंगा अभी। हम प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते, इसका मतलब ये थोड़े हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। ऐसा कुछ नहीं है गुरु, प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते कोई बात नहीं, इधर पुरुषोत्तम जालान जी बैठे, इनके पास बाबा बंगाली का नंबर है, ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल गुरु, दिला दो। शादी हमारी तय हो रही थी, लड़की वाले देखने जाए लड़की को, तो लड़की वाले के घर वालों ने कहा लड़की से कि लड़के को देखो, डेढ़ घंटा घूरती रही, बोली इनको क्या देखे, इनको किसी डॉक्टर को दिखाओ। खैर किसी तरह मामला सेट हो गया गुरु। जब हमारी पत्नी विदा होने लगी तो सास ने कहा कि बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। तो बिटिया, उनकी बिटिया घूरी, बोली लानत है इसी जिंदगी पे। गुरु लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार है। हाँ तो मैं दूसरी कविता पढ़ता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, एक नेता से हमने कहा, हम नाम नहीं बताएंगे, एक नेता से हमने कहा अयोध्या जाओगे, श्री रामलला के दर्शन पाओगे, वो बोले अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन नहीं पाएंगे, ये सब बीजेपी वालों की चाल है, चुनाव के लिए फैलाया गया माया जाल है। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आऊंगे। यह स्थिति है। और तो और एक दो कौड़ी का नेता कहता है कि तुलसी बाबा ने गलत लिखा, रामचरितमानस को इसी देश में जलाया गया, तब हमको बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा श्री रामचरितमानस की प्रतिया जला रहे हो, अरे मूर्खो हनुमान जी की पूछ में आग लगा रहे हो। अब बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। वाह क्या बात है भाई, ये देखिए, बच नहीं सकती तुम्हारी लंका। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और जानते हो अभी ये सब रोना रोएंगे ईवीएम का, हम कहा ईवीएम का रोना मत रो, ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। हमने कहा बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। अगर तुलसी बाबा शूद्रों के विरोध में कुछ लिख जाते तो भगवान श्री राम केवट निषाद कोल भिल और सबरी को गले न लगाते, और अकबर के समय में मानस अगर न रच पाते तो शायद हिंदू और हिंदुत्व को न बचा पाते। और उसके खिलाफ चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, श्री राम भक्तों के हृदय में कांटे से गड़ रहा है, राजनीति की रोटियां सेकने की खातिर अरे नेवले शेष नाग से लड़ रहा है। एक बार आशीर्वाद दीजिए एक छोटी सी कविता पढ़ के। अब हमको पहले नंबर पे ऐसा खड़ा कर दिया गुरु कि दमदार हो गए अंबानी, हम हो गए रिहाना। हाँ गुरु ये देश की स्थिति है कि वाह रे विधाता क्या क्या खेल दिखाता है, वाह रे विधाता क्या क्या खेल दिखाता है, कोई एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाता है पर बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटियां कमाता है, और कोई कोई केवल कमर हिलाता है और करोड़ों ले जाता है। इतना पेमेंट तो इंद्र ने भी जयंत के विवाह में किसी अप्सरा को नहीं दिया होगा जितना रिहाना ने अंबानी से लिया होगा। इस देश में अब मेरी समझ में आया कि इस जग में कितनों ने कितनों को नाच ने नचाया। गब्बर कहता नाच बसंती नाच, नीचे बिछा दिए कांच, और रिहाना ने कहा था भारत को तू है गरीब
पर तू कितनी बदनसीब, उसी देश ने नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। हर हर महादेव।